हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से सब लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग भाग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, या फिर इसको यूं कहिए कि इसमें शेष वाला प्रश्न है कुछ, लेकिन अभी जो पढ़ने जा रहे हो भाग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है। देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक 124, भागफल 86 और शेष 24 है, तो भाज्य क्या है? ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि मान लीजिए 19 से किसी संख्या को भाग दिए, ठीक है, तो एक बार में 19 लगे, 10 8 18 में से 9 गया 9, 7 उतारे, 19 5 95, तो 7 में से 5 गया 2 ही कट गया, अब 6 उतारे तो एक बार में 19, तो 9 7 16, 7 शेष बच गया। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो आया उसको क्या कहते हैं? भागफल। इसको क्या कहते हैं? भागफल। जिस संख्या से भाग दिए थे उसको क्या कहते हैं? भाजक। और जिस में भाग दिए थे उसको क्या कहते हैं? भाज्य। और इसको क्या कहते हैं? शेष। ठीक है, अब हम लोग जो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, भाग को चेक करने की एक विधि है कि हम लोग सही बनाए कि गलत बनाए, ये दोनों को गुना करेंगे, यानी भाजक गुने भागफल, आ इसको जोड़ेंगे प्लस शेष, और जब इस सब के बराबर हमारा भाज्य आ जाए तो समझिए कि हमारा बनाया हुआ सही है। ठीक है, जब इस सबके बराबर हमारा बनाया हुआ आ जाए, सॉरी जो इस संख्या आ जाए, तो समझिए कि बनाया हुआ सही है। तो 1 2 3 4, चार चीज़ में रिलेशन है, प्लस है, चार चीज़ में रिलेशन है, चार में से कोई तीन दे देगा तो एक ना निकालेंगे, निकालना आसान है कि कोई तीन अगर दे देगा तो एक आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न है, प्रश्न है आपके सामने कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 124, भाजक इसको कहते हैं 124, भागफल 86 है, भागफल इसको कहते हैं, शेष 24 है, तो शेष इसको कहते हैं। तो पूछ रहा है कि भाज्य क्या है, ठीक है, भाज्य क्या है, तो इसको भाज्य कहते हैं। तब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक 124, भागफल 86 और प्लस शेष, तो शेष कितना? 24, 24 जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो गुना कीजिए, तो 124 से करना है 86 में। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग को 124 से 80 में गुना करना होता तब कितना आता? 10 बार में 1240 और 10 10 8 है इसमें, तो 8 से गुना कर देंगे तो 0 8 4 32 के 2 हासिल 3, 12 8 96 या 3 96 3 99, 0 8 4 32 के 2 हासिल 3, 12 8 96 या 3 99। ठीक है, तो 80 बार तो गुना कर लिए, 6 बार बच गए, तो 24 6 144 आ 100 6 600, तो 600 144 744 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 4 2 6, 9 7 16, 6 हासिल 1, 9 1 10, तो हमारा आ गया गुणनफल 10664 आ प्लस 24, जोड़ दीजिए 4 4 8, 6 2 8 ये आ गया 6 10 688 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 10 688 हमारा उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? तो इस तरह के प्रश्न में देखिए, अभी आप पहला प्रश्न देख के ही भागिएगा मत, ठीक है, अभी इसमें बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आएंगे। ठीक है, इंतज़ार कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक संख्या को 73 से भाग देने पर
तो आपको पता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। तो 73 से भाग देने पर, तब इसका मतलब भाजक 73 है, 73 से भाग देने पर 50 भागफल प्राप्त होता है। तो भागफल दे दिया 50, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है तथा शेषफल, भागफल का दसवां हिस्सा है, शेषफल जो है, शेष जो है वह भागफल का दसवां हिस्सा है, भागफल का दसवां हिस्सा यानी कितना है, 5। तो पूछ रहा है कि वह संख्या कितना है, तो वह संख्या हो जाएगा, संख्या मतलब भाज्य, जिस 73 से जिस संख्या में भाग दिए थे वह संख्या कितना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल यानी 73 गुने 50 और प्लस शेष तो प्लस 5 निकाल लेंगे, 0 5 3 15 5 86 1 7 5 35 1 36 और प्लस 5, तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 36 55। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है इसमें। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 10 है, भाग के एक प्रश्न में शेष कितना है, 10 है। अब आगे कंडीशन सुनिए क्या कह रहा है, कि भागफल शेषफल का 4 गुना है, भागफल जो है उस शेषफल का 4 गुना है, तो शेष 10 और उसका 4 गुना यानी 4 गुने 10 10 चौक 40। अब आगे है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है यानी 40 गुने 5, तो 40 5 200। तो पूछ रहा है कि भाज्य क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो 4 दुना 8000 आ जाएगा, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, तो इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा 80 10। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए अभी तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, किसी संख्या में लगातार 7 तथा 4 से भाग देने पर शेष 3 तथा 2 बचता है, शेष जो है क्रमशः 3 तथा 2 बचता है, तो उसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए कोई संख्या है जिसमें 7 से भाग दिए, ठीक है, तो कुछ भागफल आया होगा, ठीक है, अब इस भागफल में 4 से भाग दिए, ठीक, अब इस भागफल में 4 से भाग दिए, तो अब कह रहा है 4 से भाग देने पर शेष 2 बचता है, इसमें 3 बचा था, इसमें 2 बचता है, ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि उसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। चलिए अब देखिए, इस टाइप के प्रश्न को जब ये पूर्ण शेषफल वाला प्रश्न है ना, तो जब पूर्ण शेषफल वाला प्रश्न हो तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे न्यूनतम संख्या निकाल लीजिए, कि ऐसी सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी, समझिएगा बात को, ऐसी सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो अंतिम भागफल 1 मानना पड़ेगा, कि अंतिम भागफल 1 है, तो यह x का मान कितना होगा, तो भाजक गुने भागफल, तो 4 गुने 1 प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 4 के 4 2 6, तो x बराबर 6 आ गया, तो x के जगह पर 6 रखेंगे, तब यहाँ पर संख्या कितना होगा, तो 6 से 42 3 45 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 45। अब कह रहा है कि उसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो निकाल लीजिए, 10 5 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1 17, ठीक है, तो हमारा शेष कितना आएगा, 17। अब इसको और दूसरे तरह से देखते हैं, इस प्रश्न को और कैसे कैसे पूछता है वो पहले देख लीजिए, आपको मैं बतला दूं कि कैसे कैसे पूछता है, कि किसी संख्या में 7 तथा 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 तथा 2 बचता है, 3 तथा 2 बचता है, तो के बाद इसी प्रश्न को पूछने के कई तरीके हैं। पहला, पूर्ण शेषफल क्या होगा, पूर्ण शेषफल क्या होगा,
ठीक है, या अब जब ऐसे नहीं पूछेगा तो दूसरा, भाजकों के गुणनफल से भाग देने पर शेष क्या होगा, या तीसरा, देखिए यहां पर लिख दिया भाजकों के गुणनफल। कभी कभी क्या करेगा, भाजक कौन है, भाजक वह संख्या होती है जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं। तो हम भाग किससे दे रहे हैं, सात तथा चार, तो भाजक हमारा सात और चार हुआ। तो भाजकों के गुणनफल यहाँ लिख दिया। कभी कभी क्या करेगा कि दोनों को गुणा करके पूछ देगा कि 28 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो तीनों एक ही प्रश्न है और तीनों बनेगा वैसे ही, ठीक है, कि या तो अभी बतलाए हैं कि या तो आप सात से भाग दिए, कोई संख्या है मान लीजिए, तो सात से भाग दिए तो एक्स बार में लगा, शेष बचा तीन। अब क्या किए, जो भागफल आया उसमें फिर चार से भाग दिए, भागफल में फिर चार से भाग दिए तो शेष आया दो। तो ऐसी न्यूनतम संख्या निकालने के लिए अंतिम भागफल एक मानेंगे, ठीक है, अंतिम भागफल एक मान लिए। अभी एक्स का मान क्या होगा, तो ये तो एक्स तो भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तो चार एक चार आ दो छः, तो एक्स के मान आ गया छः। तो एक्स का मान जब छः यहाँ रखेंगे तो यह संख्या कितनी होगी, तो साक्षक 42, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तो साक्षक 42 आ 3 45। तो 45 में आप भाग दे दीजिए 28 से, पूर्ण शेषफल कहे तब भी दोनों को गुणा करके भाग दे दीजिए, या भाजकों के गुणनफल कहे तब भी दोनों को गुणा करके भाग दे दीजिए, या ये जब दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक बार में 28 लग गया तो ये आ गया 17। देखिए ऐसे पूर्ण शेषफल बराबर फॉर्मूला होता है R1 + R2 D1 + R3 D1 D2, इस तरह से बढ़ते जाएगा, जहां R क्या है, R जो है बतलाता है शेष को, रिमाइंडर, और डी डिविजर, डी मतलब भाजक, ठीक है, डी बतलाता है भाजक को। तो R1 मतलब पहला शेष, R2 मतलब दूसरा शेष, D1 मतलब पहला भाजक, R3 मतलब तीसरा शेष, D1 मतलब पहला भाजक, D2 मतलब दूसरा भाजक। अगर आगे और आता तो R4 D1 D2 D3 हो जाता। अब पहला में केवल R1 है, दूसरा में R2 D1, तीसरा में R3 D1 D2, फिर चौथा में R4 D1 D2 D3, ठीक है। तो R1 का मान, तो R1 मतलब पहला शेष, तो पहला शेष कितना था, 3, तो 3 हो गया, प्लस R2, तो R2 का मान 2, D1, तो D1 का मान तो 7, तो 7 दूना 14 और 3 17 आ गया हमारा उत्तर। R3 तो दिए हुए हैं नहीं, तो आगे यूज नहीं होगा, तो कितना आ गया 17, ऐसे भी 17 आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मिटा दे इसे, चलिए सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं, एक और प्रश्न इस पे लेते हैं, केवल इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अंक को मिटा देते हैं, शेष को मिटा देते हैं, फिर यहाँ अंक को मिटा देते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं, इसी में प्रश्न जोड़ देंगे। अब कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक संख्या में क्रमशः 2, 3, 5 से भाग देने पर, 2, 3 तथा 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 तथा 3 बचता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पूर्ण शेषफल क्या होगा, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि पूर्ण शेषफल क्या होगा, लेकिन उसमें और क्या पूछ सकता है कि भाजकों के गुणनफल से भाग देने पर शेष क्या होगा, या ये भी पूछ सकता है कि भाजकों के गुणनफल यहाँ न दे के गुना करके दे दे, दुतियाई 6 × 5 = 30, तो 30 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ठीक है। तो दोनों तरह से देख लेते हैं हम लोग, 2 से किसी संख्या में भाग दिया तो माना x बार में लगा और शेष कितना आया 1, फिर x में किससे भाग दिया 3 से, भागफल में भाग दे रहा है, x में 3 से भाग दिया, शेष कितना आया
दो। तो मान लेते हैं वाई आया, फिर वाई में किससे भाग दिया, पाँच से, शेष कितना आया, शेष तीन। तीन ऐसी न्यूनतम संख्या निकालने के लिए अंतिम भागफल क्या लेंगे, एक। तो अंतिम भागफल एक लिए तो वाई का मान क्या हो जाएगा, तो वाई तो भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो वाई बराबर आ जाएगा वाई का मान पाँच, एक पाँच या तीन आठ, तो वाई का मान आठ आ गया। अब वाई के जगह पर यहाँ पर आठ रखेंगे, ठीक है। तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स तो यहाँ भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तार त्रि चौबीस और दो छब्बीस हो जाएगा, तो एक्स का मान छब्बीस आ गया। अब एक्स का मान यहाँ छब्बीस रखेंगे तो इसका मान कितना होगा, तो भाज्य बराबर संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा छब्बीस दूना बावन एक तिरपन, ठीक है। तो संख्या आ गया तिरपन। अब कह रहा है कि पूर्ण शेषफल क्या होगा, तो पूर्ण शेषफल के लिए संख्या में किससे भाग देंगे, आप ही बताइए, भाजकों के गुणनफल से, तो द्वितीय छः पचे तीस से भाग देंगे, तो तीस से भाग देंगे एक बार में तीस, तो शेष कितना बचा, तो तेईस। हमारा उत्तर क्या होगा, पूर्ण शेषफल तेईस, या फिर भाजकों के गुणनफल से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो तेईस। भाजकों के गुणनफल कहे या गुना करके दे दे या पूर्ण शेषफल कहे, हमारा उत्तर तेईस ही होगा। अब इस पे आते हैं तो फॉर्मूला होता है पूर्ण शेषफल बराबर आर वन प्लस आर टू डी वन प्लस आर थ्री डी वन डी टू प्लस आर फोर डी वन डी टू डी थ्री, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। आर वन का मान तो पहला शेष एक है तो एक, आर टू का मान दूसरा शेष तो दो, डी वन का मान तो डी वन तो पहला भाजक तो दो, प्लस आर थ्री का मान तीन, डी वन और डी टू तो डी वन का मान दो और डी टू का मान तीन, तो दो गुने तीन, तो एक प्लस दो दूना चार प्लस तीन तीन नौ दूना अठारह, अठारह चार बाईस एक तेईस, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तेईस, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, नहीं क्या। जिंदगी है और दिले नादान है, जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफ़र है और क्या सामान है, जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफ़र है और क्या सामान है, मेरे गम को भी समझ कर देखो, मेरे गम को भी समझ कर देखो, मुस्कुरा देना बहुत ही आसान है। चलिए मुस्कुरा दीजिए इसी बात पे, विदा चाहूँगा, नमस्कार, भारत माता की जय।